उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान जो जरूरतमंद दिव्यांगजन दिन दुखी मददगार की सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है, वही नारायण सेवा संस्थान ने कार्यक्रम रखा अपनों से अपनी बात, जिसमें नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने देश भर से इलाज के लिए उदयपुर आए मरीजों और उनके परिजनों से अपनों से अपनी बात कार्यक्रम में वार्तालाप की, जिसमें वह कहते हैं कि केवल अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। अपने लिए हर कोई जीता है, औरों के लिए जीना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इससे समाज सुखी होगा, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना ही मानव धर्म है, जो हमें भीड़ से अलग करता है। नारायण सेवा संस्थान से निशुल्क चिकित्सा लेकर जाने वाले बंधु बहनों दूसरों की मदद का संकल्प लेकर जाए ताकि मनुष्यता का धर्म मजबूत हो। वहीं संस्थान दीन दुखी और दिव्यांगों की सेवा बिना किसी भेदभाव से सदैव करता रहेगा। आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान कई वर्षों से दिव्यांगजनों की मदद करता रहता है। नारायण सेवा संस्थान एकमात्र दिव्यांगजनों का सहारा है, जहाँ बेसहारा व्यक्ति को भी जीने का सहारा मिल जाता है। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें हर क्षण कि मेरे परिवार में कोई दुखी है, व्याधिग्रस्त है, तो वो ठीक हो। ये तो बात हो गई हमने हमारे परिवार की, लेकिन हमारा परिवार इतना छोटा कहाँ है। विश्व का हर व्यक्ति हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो हम दो हमारे दो के लिए नहीं, विश्व के हर उस व्यक्ति के लिए जो दुखी है, व्याधिग्रस्त है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसके लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि उसे उस पीड़ा से मुक्ति मिले। केवल अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। जो दूसरों की मदद करता है उसे स्वयं के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा उसकी मदद स्वयं करता है।